नमस्कार, मेरा नाम है हिमजा पांडे और मैं आपको एक गज़ल सुनाने जा रही हूँ जो कि लिखी गई है काफिर साहब के द्वारा। और ये मेरी पहली कॉम्पोजिशन है जो मैंने करी है और ये उनकी भी पहली कॉम्पोजिशन है जो उन्होंने लिखी है। इसके जो मायने हैं वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि ये गज़ल किसके ऊपर है। तो अभी जो सियासती जो मामले चल रहे हैं और जिसकी वजह से लोग हैं वो काफ़ी कम्युनिटीज़ में बट गए हैं, वो काफ़ी ऐसे उनके अलग अलग, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, चाहे वो लैंग्वेजेस को लेके हो, चाहे वो उनके कलर को लेके हो, ऐसे लोगों को बांट दिया गया है और लोगों को इस बात की खबर नहीं है कि किस तरीके से वो मोड़ ले लिया सियासत ने और वो बट गए हैं और लोग उसी बात पर लड़े जा रहे हैं। तो लोगों को भी उस बात का ध्यान नहीं है, उस बात का ज्ञान नहीं है कि वो चीज़ कहाँ से शुरू हुई थी। और आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो हो रही हैं, तो उसी को लेके उन्होंने ये कलाम लिखा है। एक बार मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगी। ये कैसी मशाले हैं तुमने जलाई कि अब रोशनी ने हम ही को जलाया। सियासत ने ये कैसा चादर है ओढ़ा, रंगो जुबा को मजहब में तोड़ा। आंसू है किसके और कौन है रोया, मका था जिसका वही सो रहा है। मतलब कि जो लोग ऑलरेडी डिप्राइव्ड हैं, है ना, तो वो उनके आंसू हैं, लेकिन वो लोग नहीं रो रहे हैं, जिन जो वाकई सैड हैं, जो वाकई परेशान हैं उस स्थिति से, वो नहीं रो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो आके उनको सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा, बल्कि उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टिल वो जस्ट एक शो ऑफ के लिए या बस एक दिखावे के लिए वो उनको सांत्वना देने आ जाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो उसी पर है ये कि आंसू है किसके कौन है रोया, मका था जिसका वही सो रहा है, कि उसको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि ये सिचुएशन है और ये कभी बदलने वाली नहीं है। तो उसको अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है ना, वो जिस जो उस प्रॉब्लम में है उस इंसान को वो फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। रकीफो ये कैसी फ़जा आ गई है, एक ही शहर में दो हवा चल रही है। अब इस कलम में वो ताकत नहीं है कि अब किसी में भी वो चीज़ वो ताकत है ही नहीं, ना किसी ने वो ताकत दिखाई है कि ये चीज़ बदली जाए, है ना, और जो है उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि काफिर में ही अब हमारा नबी है। काफिर मतलब जो नॉन रिलीजन होते हैं, यहाँ लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि ये नॉन रिलीजियस बात यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट है, जो सिस्टम के ऊपर है, जो चैलेंज है, वो अब बदलने वाला तो है नहीं। तो अब जो जैसा चल रहा है बस उसी में हमारी खुशी है, हम वही कर लेते हैं, वही वहीं पे हम चल लेते हैं। तो इस तरीके से ये गज़ल कुछ लिखी गई है और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरी पहली कॉम्पोजिशन है, तो मैं जो मेरे पिता गुरु हैं पंडित अवध किशोर पांडे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, इस लायक हूँ कि मैं ये कर सकी। मेरे साथ में तबले पर हैं भव्यन और पियानो पर हैं दर्श। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगे, पूरी गज़ल आप सुनिएगा और अगर कहीं गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।
रोशनी ने हमी को जलाया, ये कैसी मशाले तुमने जलाई। आंसू है किसके और कौन है रोया 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 रोया। आंसू है किसके और कौन है रोया, आंसू है किसके और कौन वही सो रहा है, मका था जिसका वही सो रहा है, ये कैसी मशाले हैं तुमने जलाई के अब रोशनी ने हमी को जलाया, के अब रोशनी ने हमी को जलाया। Saga ma 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 ga ma da 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 ma da ni da pa sa ni da pa da pa ma ga ma ga re sa Rakhi fo ye kaisi faza gayi hai, Rakhi fo ye kaisi faza gayi hai, Ek hi shahar mein do hawa chal rahi hai, एक ही शहर में दो हवा चल रही है, ये कैसी मशाले है तुमने जलाई, ये कैसी मशाले है तुमने जलाई। अब इस कलम में वो ताकत नहीं है, अब इस कलम में वो ताकत नहीं है, के काफिर में ही अब हमारा नबी है, के काफिर में ही अब हमारा नबी है, ये कैसी मशाले हैं तुमने जलाई, के अब रोशनी ने हमी को जलाया, के अब रोशनी ने हमी को जलाया, ये कैसी मशाले है तुमने जलाई, ये कैसी मशाले है तुमने जलाई, ये कैसी मशाले है तुमने जलाई।